पर मंजू पे ज्यादा हुआ आज पिता को नाच, नफरत मुझसे हो गई समझ गई मेरा। अरे नफरत मुझसे हो गई समझ गई मेरा। और दिखाया जिस तरह से नीचा उसे नीचा दिखाऊंगी। दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊंगी। और इस कन्नौज में एक दिन बड़ा कोहरा मचाऊंगी। दिखाया दरबार में अपनी अकलमंदी। और लिया है सोची अपनी हार का बदला चुकाऊं। जमाना जमाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। जमाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। और मिटाना इंसा को बनाऊंगी यही आदत। वाह पिताजी क्या सोच रखे हो। एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो यहाँ कर्राज ताज मंजू के हाथ रख दोगे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक दिन देखना मैं इस कन्नौज राज को बर्बाद नहीं कर दूंगी। तो मेरा नाम ही अंजू नहीं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। नाथ। हाँ प्रिय। अभी तक बेटा नहीं आया। शाम हो गई आज 3 दिन बीत गए लेकिन अभी तक बेटा नहीं आया। ये चीज एक तरह ही है कि मेरे बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं। कैसे आएगा मेरा बेटा। क्या करो प्रिय। अपने बेटे की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूं तो क्या करूं। नहीं बेटा अभी तक आया हमारा। नहीं बेटा अभी तक आया करो सब्र दिल में मेरी माँ है पारा। क्या करूँ सब नहीं होता। करो सब्र दिल में मेरी माँ है पारा। मेरी माँ है पारा बिना उसके दिल लगे ना हम। गए लाल को ढूंढने वीर का भी। भगवान कब आएगा।
प्रिय चिंता मत करो। क्या करूं सब्र होता नहीं है मुझे, लाल की ये जुदाई न सही जा रही, तीन दिन से परेशान है दिल मेरा, तीन दिन से परेशान है दिल मेरा, ला करूं कुछ समझ ना मेरे आ रही, तीन दिन से परेशान है दिल मेरा। ऐसा लगता है मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आएगा। इस तरह अपने दिल को करो ना दुखी बेटा, कुछ भरोसा करो अपने भगवान पर, सबकी रखवाली करता है परमात्मा, वो करेगा भी हम पे दया की नजर। लाख समझाती हूँ दिल न माले पिया, कभी मेल में हमारा ललल, बढ़ती जाती मेरे दिल की है बेकेली, बढ़ती जाती मेरे दिल की है बेकेली, जल्दी लाओ उसे करके खोली। मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी लाओ। इस तरह देख गमगीन रानी तुझे हो रहा मेरा दिल भी परेशान है, मुझको गम भी बहुत है उस लाल का, मुझको भी गम बहुत है उस लाल का, महलाए उसे जल्दी ढूंढ कर। मेरे बेटे को ढूंढ कर तुम चिंता मत करो, मैं अपने सिपाहियों के भेजकर अपने राज के चारों तरफ मैं अपने युवराज को ढूंढवाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही राजकुमार बलवंत को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सारे सिपाहियों को भेज दीजिए जितनी जल्दी हो सके, मेरे बेटे को ढूंढ करके लाए। महारानी आप चलिए, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा ही नहीं वो मेरे भी जिगर का टुकड़ा है प्रिय, मेरे भी जिगर का। या भगवान, ये मैंने कौन कर्म कमाई किया कि आज मेरा पूरा परिवार छूट गया मालिक, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा नगर किधर है। आज ये प्रभु ये जोगन की श्राप से क्या देखा कि बदन में कोर हो गई, आज एक एक दाने को मोहताज हूँ, कहाँ जाऊँ किससे मैं अपनी कह सुनाऊँ। भगवान
लौट गए सब साथी, मुझको न राहत जाती, गया परिवार हमारा छूट गए सब साथी, मुझको न राहत भगवान। एक बस्ती दिखाई दे रही है, जा रहा हूँ वहीं पर, अपना दुख सुख सुनाऊंगा, दरवाजे दरवाजे जाकर खाने के लिए कुछ उपाय जरूर करूंगा मालिक। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। साथियों कहिए, आज का पेपर तुमने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। जय माँ भवानी की। ये बताओ आज का पेपर तुमने पढ़ा? जी हाँ मैंने पढ़ा। आज के पेपर में क्या लिखा था? उसमें ये मोदी हेडिंग में फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, जो कोई शैतान सिंह को गिरफ्तार करेगा उसको 50,000 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। क्या ये खबर सरदार जी को मालूम है या नहीं? कैसे मालूम होगा, अभी तो आए नहीं सरदार जी। आने दो ये खबर, ये खबर उनको बताना है। जी हाँ आने दो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों आज का पेपर पढ़ा है? जी हाँ। क्या समाचार है? मैंने पढ़ा है, सुनिए। दादी तुमसे खबर कहता हूँ सरदार, जी तुमसे खबर कहता हूँ सरदार, और जब से पढ़ा है मैंने अक्ल मेरी हैरान, अक्ल मेरी हैरान, ये मौका है विचार करने का, और देर सच का नहीं तनिक भी एतबार करने का। सरदार जी आज का बुरा समाचार है। हाँ। फर्स्ट पेज पर मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है, क्या? जो कोई शैतान सिंह को गिरफ्तार करेगा उसे 50,000 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। साला गवर्नमेंट ने 50
1000 रुपये इनाम रखा है कि जो शैतान सिंह को आरिश करेगा उसे 50,000 रुपये खजाने से इनाम दिया जाएगा। साथियों, गवर्नमेंट की रुपए गवर्नमेंट के खजाने में रहेगी और शैतान सिंह अपना काम करता रहेगा। सतर्क रहना, हम ऐसे पुलिस वालों से। सरदार जी, पुलिस के कामों में विघ्न डालना हम लोगों को काफी याद है। कोई दिखाई पड़ता वर्दी वाला तो चला दो गोली हराम जाति के सिरे पर और जला के राख कर। जय मां भवानी की, शैतान सिंह। जय मां भवानी। राजकुमारी महलों के फूल आज जंगलों में वीरान क्यों कर रही है? यहां आने का मकसद बता रही हूं। अरे बड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम, करो तो रुपया दू 30,000। अरे करो तो रुपया दू 30,000। राजकुमारी जी, आप की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। और सुनो मेरा फरमान। कहिए। और नाम मेरा शैतान सिंह, यूपी में मशहूर, बतलाओ क्या काम है उसको करूं। राजकुमारी जी, नाम मेरा शैतान सिंह, यूपी में मशहूर, बतलाओ क्या काम है उसको करूं जरूर। अरे बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह, करिए मदद मेरी। अब मैं समझा क्या मुश्किल। बड़ी मुश्किल में हूँ शैतान सिंह, करिए मदद मेरी। अरे उम्मीद लेकर आई हूँ, करिए मदद मेरी। अरे सताया अपनों ने परेशान दिल हमारा है, सताया अपनों ने परेशान दिल हमारा है। अरे करिए मदद तो सुनिए कैफियत मेरी। अब मैं समझा, अपनों ने सताया है मुझे, अपनों ने सताया है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लो सुनो मेरा फरमान। कहिए तुम्हारा क्या फरमान है मास्टर साहब। वचन देता शैतान सिंह। राजकुमारी जी, वचन देता शैतान सिंह, जल्द मुझको बतलाओ। वचन देता शैतान सिंह, जल्द मुझको बतलाओ, करूंगा काम मैं तेरा, करूंगा काम मैं तेरा, जरा ना दिल में घबराओ। क्या काम? कहूं क्या काम है तेरा, जल्द बतलाओ, करूंगा काम मैं तेरा, जरा ना दिल में घबराओ। काम क्या? राजकुमारी जी, मैं वादा करता हूं, काम क्या है और सुनाइए, करने के लिए शैतान सिंह तैयार है। बात मेरी सुनो गौर करके जरा, बात मेरी और सुनो गौर करके जरा, बन गए मेरे दुश्मन पिता और बहन, सान मिट्टी में उनकी मिला दो अगर, दूर हो जाए दिल की हमारे दुल्हन। यानी तुम्हारे बापू और तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारा अपमान किया है। मेरे दुश्मन बन चुके हैं, मैं उन्हें देखना नहीं चाहती। और मैं कसम खा रहा हूं राजकुमारी जी,
30,000 रुपये नगद कैश अगर काम हो जाएगा तो, और नहीं काम होगा तो गुनेगार मैं हूं, मैं वादा करता हूं। ऐसा रुपया आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको मैं खुश करके भेजूंगी। लेकिन लेकिन क्या? मेरा काम हो जाना चाहिए, वक्त आने पर, मौका मिलने पर मैं आपसे मिलूंगी। राजकुमारी, मैं कसम खा रहा हूं कि आपका काम होगा, लेकिन कैसे होगा ये मेरी समझ में नहीं बात तुम्हारी आ रही कि कैसे होगा, कहाँ मिलेगी, क्या बात है? मैं बताऊंगी वक्त आने पर, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। साथियों, सरदार जी, राजकुमारी का कहना है कि शैतान सिंह 30,000 रुपये नगद कैश, लेकिन मेरे बापू और मेरी बहन मेरा अपमान किया है। जी हाँ सरदार जी। अपमान का बदला चुकाना है, उसके बाद 30,000 रुपये इनाम तुम्हें मिलना है। लेकिन और साथियों, सतर्क रहना मेरे साथ, चलो। ठीक है सरदार जी। और वक्त का इंतजार करना, बात में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन एक ब्रेक के, ये रहा शैतान सिंह का ऐलान। सरदार जी, साला एक बात है, तूफान करिए सरदार, पुलग्रोह को बदला लाजिम, पुलिस के सदा ख्वार से, जहां ठहरोगे तो पकड़े जाओ सभी, जहां ठहरोगे तो पकड़े जाओ सभी, सामना जो पड़े। साथियों, सरदार जी, चलो अड्डे पर। ठीक है सरदार जी, आओ। सिपाहियों। जी भैया। महाराज नागपाल सिंह पधार रहे हैं, आप लोग ड्यूटी पर तैनात हो जाइए। चलिए भैया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटे। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते? सुनिए। बोलो। सुनो हे पिताई की तमन्ना हमारी। चमन की बहारी, मेरे दिल में शौक ए है उबरता, मेरे दिल में शौक ए है उबरता, मैं बागों में ले जाऊं अपनी सवारी, मैं बागों में। पिताजी मैं चमन की सैर करना चाहती हूँ। ये बात है जी पिताजी। और तू बेटी नहीं बल्कि बेटा हमारा, तू बेटी नहीं बल्कि बेटा हमारा, और तू ही इस महल का है बेटी सितारा। देता इजाजत चमन घूम आओ, मगर जल्दी आना तू आंखों का तारा, मगर जल्दी आना। बेटी जी पिताजी, इजाजत तो मैं दे रहा हूँ लेकिन शाम तक वापस आ जाना। फिक्र करिए न इसकी पिताजी, जरा घूम कर जल्द ही मैं चमन आऊंगी, मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, शाम होने से पहले भावना मेरे अच्छे। बेटी। हाँ पिताजी। ये तुम जानती हो
कि जब तक मैं तुझे अपने नेत्रों से नहीं देखता हूं तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं होती बेटी। बेटी बोले पिताजी। तो जब से माता तेरी स्वर्ग को है गई, मैंने नाजों से पाला तुझे लाडली, जल्द ही आना तुम घूमो करके चमन। जल्द ही आना तुम घूम करके चमन, वरना बढ़ जाएगी दिल मेरे बेकली। जल्द ही आना। बेटी हाँ पिताजी, शाम होने के पहले तुम राजमहल वापस आ जाना बेटे। ठीक है पिताजी। जाओ। सरकार। द्वारपाल। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मैं जो कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं द्वारपाल। सरकार आप सोचिए, राजकुमारी बच्ची नहीं सरकार सयानी हो गई है। हाँ। और चमन घूमने के लिए आप इजाजत दे दिए। सरकार आप देख रहे युग जमाना कैसे चल रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो छोटी राजकुमारी के सेवा के लिए, हिफाजत के लिए मैं भी चमन चला जाऊं सरकार घूमने के लिए। द्वारपाल आज तुमने ऐसी बात बताया कि मैं तो लाड प्यार में सब कुछ भूल चुका था। जी सरकार। ठीक है द्वारपाल, तुम जाओ बेटी के साथ चमन घूम करके शाम तक बेटी को अपने साथ लिवाकर महल वापस आ जाना। महाराज जा सकते हो। ये रहा शैतान सिंह। रास्ता मैं भूल गया हूं, किस रास्ते दुश्मन का पता करूं। राजकुमारी ने मुझे गुमराह किया, अब तो राजकुमारी के आने पर पता चलेगा। अरे शैतान सिंह। हाँ मैं राजकुमारी। शैतान सिंह मौका मिल गया है तुम्हें। मेरी बहन मंजू वो जा रही है पिताजी से इजाजत लेकर के चमन में घूमने के लिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जाओ उसका किस्सा खत्म कर दो और तब तुम्हें रुपया मिल जाएगा। राजकुमारी जी मैं यही इंतजार कर रहा था कि रास्ता मेरी समझ में नहीं आई, कौन सी रास्ता ऐसी गई है जो तुम्हारे दुश्मन मिलेंगे। हाँ वो चमन में घूमने के लिए जा रही है। तुम्हारी बहन नाम क्या? मंजू। मंजू तुम चलो। ठीक है। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। राजकुमारी ने कहा कि मेरी बहन चमन में घूमने जा रही है, जाओ मेरे अपमान का बदला चुकाना है शैतान सिंह। अब मैं जा रहा हूं राजकुमारी के पास और अपमान का बदला न चुकाया तो मैं शैतान सिंह नहीं कहलाऊंगा। लाली लाली बूंदिया रे सावन का झूलू झूलना, लाली लाली बूंदिया की गोद में। पहला झूला झूलू अम्मा जी, अम्मा जी की गोद में, अम्मा जी की गोद में हरी भारी गोदिया रे सावन का झूलू। लाली बूंदिया रे सावन का झूलू झूलना,
क्या रहे जरा ये लड़की कौन है? मुख से नहीं बोलता। ये लड़की कौन है? अबे साला तू गूंगा है क्या रे? गूंगा है हराम जादे। नकल किए नंबर एक नंबर दो तू साला मुझे गुमराह कर रहा है रे। आप मैं के हैं आप? शैतान सिंह। शैतान? शैतान सिंह। शैतान है कहाँ यहाँ बगियों में घूमता? तुम्हें नहीं मालूम है जी कि मेरा नाम कौन धराया है? कौन? मेरे माँ बाप ने। माई बाप ने। और तेरा नाम क्या है रे? हमारा नाम हमारा नाम वही है। क्या? शैतान सिंह का बाल बनाना। बाल बनाना? तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ नहीं रहे हो? हराम जादे सच सच बोल। मेरा नाम जो दुनिया के मालिक है, 14 साल जो बनवास गए हैं। साला डायलॉग मारता है रे तू। दुनिया के मालिक हो तुम? नहीं अयोध्या वासी। सोन बे मेरा नाम शैतान सिंह क्यों पड़ा? क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हें दिन में पैदा किया है और आप जो दिन में बच्चा पैदा होता है वो नादान होता है जी। और मेरी माँ रात में पैदा किया। रात में? जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। तू झूठ बोलता है। क्यों? तुम्हारे माई कहें भोरहरियम भर है। हराम जादे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लड़की कौन है? ये? हाँ ये लड़की है। हाँ लड़की तो है। लड़की है। और कहाँ के रहने वाली है? इसका नाम क्या है? लड़की है। अरे साले लड़की तो है मैं देख रहा हूँ। हाँ ये लड़की है। हाँ मैं लड़का हूँ। मैं? तुम बुढ़ा है। राम चादे तूने कहा बुढ़ा? जी अभी तो हम दच्छे सोले खेल कूद में 20 बरस तक मत के मेल में 40 बरस तिरिया की जेल में 55 हाथ मले। अगर साले मैं 55 साल का हो जाऊंगा तो छोकरियां नहीं फंसाऊंगा। जो छोकरियां मुझे जम जाती हैं उससे साथ प्यार करता है। अरे और मेरा नाम शैतान सिंह है। शैतान सिंह। और साफ साफ बोल किसकी लड़की है? आप कनौज जानते हैं ना? हाँ कनौज के महाराजा नागपाल सिंह की लड़की, इनका नाम राजकुमारी मंजू है। मंजू इन्हीं का नाम है जी। और इन्हीं की तलाश से शैतान सिंह की। और तू साला यहाँ नहीं रहोगी। फुट निकल जा पतली गली से। फूटा वाला छितरा। अरे नंबर ये